हेलो गाइस, कैसे हो? होप आप लोग गुड वेल एंड फाइन होंगे। तो फिर से आप लोगों का न्यू व्लॉग में आप लोगों का स्वागत, आप लोगों को वेलकम है। तो सबसे पहले यहां से आप देख सकते हो यो अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहां पे गुरु पद्मासम्भव जी का मूर्ति बनने जा रहा है। अभी थोड़ा सा इसको टाइम लग रहा है, अभी लास्ट ईयर लॉकडाउन था ना, इसलिए थोड़ा सा इसको डिले हो गया। शायद अभी कंप्लीट होगा, शायद 1 ईयर या 2 ईयर में। अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर आप लोग डोनेशन करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम है, आ कर सकते हो। तो गाइस, शेप पैलेस कुछ इस तरह से देखते हो। ऊपर पहुंचने के बाद ऊपर से नीचे का व्यू शायद मैक्सिमम, शायद जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं मैक्सिमम लोग इस पहले इस जगह को जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो आप लोग को मैं बता देता हूँ। जब आप लोग लेह घूमने के लिए आते हो तो लेह में कई सारे पैलेस मोनेस्ट्री बहुत सारे हैं। तो उसमें से वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस एक जगह ये भी है, स्पॉट शे पैलेस कहते हैं इसे। और ये लगभग लेह से 15 किलोमीटर है, लेह मेन सिटी से। तो जैसे जैसे आप ऊपर पहुंचोगे गाइस, वॉकिंग करके थोड़ा ट्रैक करके, तो ऊपर आपको कई सारे स्तूपा मिल जाएंगे। अलग 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 स्तूपा है। तो गाइस, कुछ इस तरह से व्यू है ऊपर से। अब पीछे की तरफ आ चुके हैं हम, शेप पैलेस के पीछे वाले बैक साइड है ये। और देखो बैक साइड हो या चाहे फ्रंट साइड हो, पूरे का पूरा व्यूज देखो गाइस। ये वो ले तक ले के एयरपोर्ट का लगभग पार्ट हमें नज़र आ रहा है। ये देखो गाइस, कितना मस्त जगह चुनी है ना। थोड़ा सा बर्फ है, अभी लेट नहीं हुआ है। उसके बाद कुछ अब जब क्लॉक वाइज आप आओगे तो वैसे यहाँ से आपको जाना है, यहाँ से होते हुए। हाँ, तो यहाँ पे है लैम्प हाउस। यहाँ पे आप अगर आप आते हो तो आप अपना ओन लेके आ सकते हैं, यहाँ पे ऑयल लेके आ सकते हो, फिर अपने लिए आप यहाँ पे जला सकते हो। Thank you.
तो गैस अभी अंदर जा चुके हैं, अंदर जाके वापस आए, थोड़ा फीलिंग अच्छा हो रहा है। आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हो सुबह के टाइम या शाम के टाइम, नहीं मैक्सिमम सुबह के टाइम यहाँ पे पूजा चलते हैं। अगर आप पूजा के साथ आना चाहते हो तो सुबह सुबह जल्दी आना, पूजा यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, प्रेयर करते हुए यहाँ पे लामा जी मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरह का था एक्सपीरियंस, अच्छा था। ये वाला टेम्पल इस पैलेस के अंदर है। उसके बाद यहाँ से हम अभी वापस जाएंगे। एक और चीज़, जो ये वाला दरवाज़ा देख रहे हो आप, ये वाला दरवाज़ा, ये अभी जो बुद्धा जी का स्टेचू था उसके निचला वाला हिस्सा यहाँ पे है, उसके दर्शन के लिए, उनके मतलब उनके चरण वगैरह इस साइड में है, इसकी तरफ है। ये वाला डोर के अंदर है, ऊपर का हिस्सा, तो ऊपर जो लगभग है 2 मंजिला स्टेचू है। और यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू था, सीधा आगे ठीक से मॉनेस्ट्री भी देख सकते हो आप इधर, ये ठीक से मॉनेस्ट्री। तो ये वाला रोड यहाँ से मेन गेट है पैलेस का, यहाँ से आप बाहर आ जा सकते हो। ये कुछ मेन एंट्रेंस कुछ इस तरह का है, ये गेट है। फिलहाल गाइस अभी यहाँ पे आइस स्केट खेल रहे हैं, देखिए। अगर इस टाइम राजा होते तो, महाराजा होते तो यहाँ से वो देख रहे होते आइस स्केट को, एंजॉय कर रहे होते। कितना अच्छा लोकेशन इसकी है यार, मतलब इसकी नहीं बल्कि जितने भी अपना पैलेस है ले लद्दाख में, जितना भी पैलेस है सबका लोकेशन एकदम मस्त जगह पे होते गाइस। कहते हैं कि अभी जितने भी यहाँ पे येलो येलो से मतलब ग्राउंड सा दिख रहा है, जितना ये मैदान खाली दिख रहा है, कहते हैं कि पहले यहाँ पे पूरा पानी था, तो एकदम साफ सुथरा पानी हुआ करता था, तो ये पैलेस की रिफ्लेक्शन वहाँ से साफ नज़र आते थे। तो मतलब एकदम मिरर के जैसा वो काम करता था पानी। अभी धीरे धीरे पानी कम हो गया, तो शायद इसीलिए शेलकर बोलते हैं मेरे ख्याल से, कुछ शायद इस तरह का स्टोरी है इसका, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। किसी और आप लोगों में से पता हो तो प्लीज़ बता दीजिए ना कमेंट में। बाकी नीचे मेन रोड है, अगर आप आते हो तो आपका कैब नीचे तक आएगा, टैक्सी नीचे तक आएगा, उसके बाद आपको वॉकिंग करके आना होगा यहाँ पे, ऐसे यहाँ से वॉकिंग करके आना होगा। यहाँ ऊपर तक कैब को अलाउड नहीं है। तो सामने से कुछ इस तरह का दिखता है अपना शेयर पैलेस। जैसे कि आप लोगों को पता है अभी हम शेयर पैलेस में हैं। शेयर पैलेस के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को मैं हिस्ट्री बताऊं, तो पूरा ज़्यादा हिस्ट्री तो मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत हिस्ट्री आप लोगों को जो मोटा मोटा चीज़ें हैं उसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ऊपर टॉप में जो बड़ा खंडर सा देख रहा है, पहले शेयर पैलेस स्टार्टिंग में वहाँ था, जो कि 10th सेंचुरी में लद्दाख के फर्स्ट किंग लचन पाल की गोंड ने बनवाया था।
उसके बाद जो नीचे वाला स्ट्रक्चर, बड़ा वाला जो स्ट्रक्चर है जो पहले से अभी न्यू सा बिल्डिंग नज़र आ रहा है, उसको किंग दिलदन नमग्याल ने अपने फादर किंग सिंगे नमग्याल के याद में इसको बनवाया था। जो कि सिंगे नमग्याल आप लोगों को पता ही है, हम लद्दाख का बहुत बड़ा फेमस किंग था, उन्होंने कई सारे मॉनेस्ट्री लद्दाख में बनवाए थे। तो उस पैलेस के अंदर आप लोगों ने देखा भी एक बड़ा सा बुद्धा का स्टैचू भी है, जो लद्दाख का सेकेंड लार्जेस्ट बुद्धा स्टैचू है। उस स्टैचू को गोल्ड और कॉपर से मिक्स करके बनवाया गया था। तो गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोग इस पैलेस में देखने के लिए आना चाहते हो तो ले से 15 किलोमीटर के पास में ही है, आप लोग आके वापस भी जा सकते हो। जैसे कि आप लोग देखो वहाँ से स्टेप स्टेप आप ऊपर तक जा सकते हो, अपने कार को नीचे पार्किंग करना है। मैक्सिमम लोगों को तो शायद पता होगा, लेकिन जिनको पता नहीं हो तो ये बहुत अच्छी हिस्टोरिकल पैलेस भी प्लेस भी है, आप लोग इधर आके इंजॉय कर सकते हो। और जिस एरिया में हम खड़े थे पहले, कहते हैं कि ज़माने में यहाँ तो बहुत सारा पानी मतलब एकदम तालाब के जैसा हुआ करता था, तो इस तालाब में वो पैलेस साफ साफ नज़र आते थे। तो कहते हैं कि इस जगह का नाम अभी तो शे कहते हैं, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पहले इसको शेलकर कहते थे, शेलकर के नाम से जाना जाते थे, क्योंकि शेल मीन्स लद्दाखी में शीशा होता है, तो शीशे की जैसा कम करते थे ये वाला पानी तालाब, उसमें से अपना पहले सब नज़र आते थे, तो इसीलिए इस जगह को शेलकर कहा जाता था, शायद कुछ लोग ऐसे भी बताते हैं। अभी इसके पीछे हिस्ट्री क्या क्या कैसे वो अलग अलग अपना अपना वो होते। तो गैस ऐसा कुछ है, तो अभी सामने से आप ये भी देख सकते हो, अभी यहाँ पे गुरु पद्मा संभावा जी का एक स्टैचू भी बनने जा रहा है। अब लोग चाहे तो इसको डोनेट कर सकते हो, अभी भी डोनेशन वगैरह लेते हैं यहाँ पे। अभी ड्यू टू कोविड पेंडेमिक की वजह से थोड़ा ये बंद कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है, शायद 1-2 ईयर में ये कम्प्लीट, अगर ये कम्प्लीट हो गया तो इसके बाद यहाँ पे एकदम मस्त वाला सूर्य स्पॉट बनने वाला है। तो गैस यही चीज़ था, बाकी आप लोग ऑनलाइन देख सकते। तो कुछ यहाँ पे आइस हॉकी का कुछ प्रैक्टिस भी चल रहा है गाइस, तो थोड़ा सा यहाँ पे बतख, डक्स और यहाँ पे पीछे वाला प्रोफेशनल वाले थे, और यहाँ पे थोड़ा सा लर्नर्स। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं वापस, यहाँ पे हो लिए दर्शन, हमने थोड़ा सा दर्शन भी किए, थोड़ा सा घूम भी लिया है। अभी हम यहाँ से वापस जा रहे हैं घर की तरफ, और बैक साइड से कुछ इस तरह से दिखता है शे पैलेस ऊपर। तो मैंने बनाया आज अंडा कड़ी, क्योंकि अंडा कड़ी सबसे आसान है। अंडे को बॉईल करो और थोड़ा उसको तड़का लगा दो। बहुत दिनों के बाद खाया मैं एक आदमी दो अंडा, अभी मैं इसको टेस्ट करके बताता हूँ आप लोगों को। हे गाइस अभी अपना डिनर हो चुका है, अभी मैं सोने लगा हूँ। तो सोने से पहले अपना इम्पोर्टेंट काम रोज़ वाला एडिटिंग वगैरह करूँगा, फिर अपलोड कर दूँगा, ताकि सुबह 4 बजे से पहले अपना व्लॉग आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो जैसे आप लोगों के पास पहुँचे, आप लोगों के पास मैसेज सबसे पहले आपके पास पहुँचे, यही मैं हर रोज़ ट्राई करते रहता हूँ। अगर आप लोगों के पास मैसेज नहीं पहुँच रहा होगा, तो आप लोगों का नोटिफिकेशन ऑन नहीं होगा, तो आप लोग प्लीज़ ऑल दबाना और बेल बटन दबाना मत भूलिए। और जो लोग अपने चैनल में न्यू आ रहे हैं, बस व्यूज देके जा रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब दबा दीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिए। तो होप कि आज वाली वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होंगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ, इससे भी बेटर वाले ब्लॉग देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और अपना वीडियो तो है ही, और देखते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।